हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपकी मैथ्स की दूसरी ऑनलाइन क्लास है, चैप्टर नंबर टू की। चैप्टर नंबर टू जो अपन ने स्टार्ट किया था उसकी एक्सरसाइज वन अपन ने कर ली थी होल नंबर्स की। आज अपन सेकंड एक्सरसाइज उसकी करेंगे, तो आइए सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं अपन, ठीक है। एक्सरसाइज 2.1 अपनी कंप्लीट हो चुकी है, मुझे उम्मीद है आपने सबने कर ली होगी, ठीक है। और अब अपन एक्सरसाइज 2.2 के बारे में पढ़ेंगे, तो उससे पहले अपन कुछ प्रॉपर्टीज समझ लेते हैं एडिशन की और मल्टीप्लिकेशन की। प्लस और मल्टीप्लाई में कुछ अच्छी प्रॉपर्टीज है, जिसमें पहली प्रॉपर्टी का नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या नाम है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ये प्रॉपर्टी एक बार तो अपन पढ़ेंगे एडिशन में और एक बार पढ़ेंगे अपन मल्टीप्लिकेशन में। तो सबसे पहले अगर मैं एडिशन की बात करूं, एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो, ए प्लस बी करो या फिर बी प्लस ए करो, यानी ए को बी से जोड़ो या बी को ए से जोड़ो, यानी आगे पीछे कर दो, आप बी को इधर ले आओ ए को उधर ले जाओ, ठीक है, तो भी आंसर में कभी फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो मुझे 45 + 5 करना है, तो आंसर कितना आएगा? 50। और इसकी जगह मैं 5 को इधर कर दूँ, 45 को इधर कर दूँ, रीअरेंज कर दूँ, चेंज कर दूँ पोजीशन, तो 5 इधर आ जाए और 45 उधर आ जाए, तो भी आंसर में कभी फर्क नहीं पड़ेगा। इसका आंसर भी क्या आएगा? 50 ही आएगा, ठीक है। अब यही प्रॉपर्टी हमारी होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन में। अब देखो मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, आप ए को बी से मल्टीप्लाई कर दो या फिर बी को ए से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों में आंसर क्या होता है? सेम होता है, ठीक है। जैसे मान लो मैं लिखूं 5 × 9, ठीक है, तो 5 9 से क्या आएगा? 45। और अगर मैं इनको रीअरेंज कर दूं, नंबर्स को आगे पीछे कर दूं, 9 को पहले ले आऊं, 5 को बाद में ले आऊं, 9 × 5 कर दूं, तो भी आंसर क्या आएगा? 9 × 5 = 45, तो आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है एडिशन की। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब आप ए को बी से ऐड करो या बी को ए से ऐड करो, आंसर चेंज नहीं होगा। और यही मल्टीप्लिकेशन में होता है कि आप ए को बी से मल्टीप्लाई कर दो या बी को ए से कर दो, तो भी आंसर चेंज नहीं होगा। यानी कि आप अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो चीज़ों को आगे पीछे कर सकते हो, देखो, ठीक है। तो देखो ये आएगा कैसे अपने काम में, कि मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 25 × 5 × 4, ठीक है, ये तीन नंबर लिखे हुए हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस 5 को इधर ले आऊँ, 4 को इधर ले आऊँ, 25 × 4 × 5, इन दोनों को आगे पीछे इधर उधर चेंज कर सकता हूँ, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये किसके कारण हो रहा है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की, क्योंकि आप ए को चाहे बी से कर दो मल्टीप्लाई या बी को ए से कर दो, आंसर चेंज नहीं होगा। तो आप 25 में 5 × 4, यानी 25 को पहले 5 से करो फिर 4 से करो, या फिर आप 4 को इधर ले आओ 5 को इधर ले जाओ, तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप इन दोनों को अगर इंटरचेंज कर दोगे तो आंसर में चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ऐसे प्लस में भी अगर आप चीजों को आगे पीछे कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी होती है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इसमें एसोसिएटिव में तीन नंबर होते हैं, तो सबसे पहले अपन यही प्रॉपर्टी पढ़ेंगे एडिशन में। देखो एक बार मैं चेंज कर लेता हूं, यही प्रॉपर्टी अपन एडिशन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एडिशन में एसोसिएटिव क्या होती है, जैसे मान लो तीन नंबर है ए प्लस बी प्लस सी, अगर मैं पहले ए और बी को जोड़ दूं और उसके आंसर को सी से जोड़ दूं, या फिर मैं चेंज कर दूं ए प्लस बी प्लस सी, जिसमें मैं बी और सी को पहले जोड़ दूं ए को बाद में जोड़ूं, तो दोनों केसेस में आंसर बराबर रहेगा। ब्रैकेट का मतलब जिस पे ब्रैकेट लगा उसको पहले जोड़ना है आपको, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल है 3 + 5 + 7, ठीक है, जिसमें आपको 3 और 5 को पहले जोड़ना है, ब्रैकेट इस पे लगाया है, तो 3 और 5 को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 8, और 8 में 7 को जोड़ोगे तो आंसर आएगा 15। अब यही आंसर इसमें भी आएगा, देखो 3 + 5 + 7 है, 3 + 5 + 7, आप 5 और 7 को पहले ऐड कर दो, तो 5 और 7 कितना हो जाएगा? 12, 12 में 3 ऐड करोगे तो कितना आएगा? 15। तो देखो आंसर सेम आ गया। तो ये होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ठीक है, कि आप तीन नंबर्स को अगर ऐड कर रहे हो तो पहले कोई भी दो नंबर को ऐड कर लो, चाहे आप चाहो तो पहले ए और सी को ऐड कर लो फिर उसको बी से ऐड कर दो, तो भी आंसर वही आएगा। देखो 3 और 7 को ऐड कर दो तो 10, 10 में 5 ऐड करूंगा तो 15, ठीक है। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। तो ये अपन क्या करेंगे, जब अपने पास बहुत सारे नंबर होंगे, जैसे मान लो मेरे पास नंबर है 47 +
23 प्लस 53, ये तीन नंबर्स हैं। अब मैं चाहता हूँ कि पहले मैं इस नंबर को इस नंबर के साथ ऐड करूँ, तो मैं इनको इधर ले आऊँगा, मैं इसको लिख दूँगा 47 प्लस 53 प्लस 23, ये नंबर इधर आ जाएगा और ये नंबर इधर आ जाएगा। तो मैथ्स में मैं ऐसा कर सकता हूँ, ये मैंने आगे पीछे कर दिया तो ये कम्यूटेटिव हो गया। अब मैं इन दोनों को जोड़ देता हूँ, पहले इस पर ब्रैकेट लगा दिया, अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से पहले इनको जोड़ देते हो जाएगा 100, और फिर मैं इसमें 23 जोड़ दूँगा तो आंसर आ जाएगा 123। तो आपने पहले इन दोनों को इधर किया, तो ये तो हो गया कम्यूटेटिव जो अपन ने पीछे पढ़ा, और फिर आपने ब्रेक लगा के इन दोनों को जोड़ लिया, फिर उसमें इसको जोड़ा, तो ये हो गया एसोसिएटिव, यानी दो को जोड़ दिया। और आप चाहते चाहे इन दोनों को जोड़ लेते तो इसको जोड़ते तो भी आंसर सेम आता, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन अपन कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन की। तो मल्टीप्लीकेशन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, आप ए इंटू बी इंटू सी तीन नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हो, आप पहले ये ए और बी को मल्टीप्लाई कर दो और उसके आंसर को सी से इंटू कर दो तो एक आंसर आएगा। ऐसे ही आप ए इंटू बी इंटू सी में बी और सी को पहले मल्टीप्लाई कर दो और फिर उसके आंसर को ए से कर दो, ठीक है, तो एक आंसर। तो ये दोनों आंसर क्या आएंगे, सेम। ये होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। जैसे मैं मान लूँ 3 × 5 × 7 तीन नंबर ले लिया, अब मैं 3 और 5 को पहले इंटू करना चाहता हूँ, तो 3 × 5 = 15 × 7, ठीक है, और 15 × 7 = 105, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं इधर करूँ 3 × 5 × 7, अब मैं 5 × 7 = 35, और 35 को जब मैं 3 से कर दूँ, यानी पहले मैं इधर दो नंबर्स को बी और सी को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 35 × 3 = 105, तो दोनों आंसर क्या आएंगे, सेम आएंगे। तो ये होती है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ये सारी प्रॉपर्टीज अपनी एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करने में काम आएंगे, इसलिए इसको ध्यान से सुने। चलिए तो बच्चों आप अपन ले लेते हैं एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 समझ लेते हैं, क्योंकि जितना अपन ने पढ़ लिया उससे एक्सरसाइज 2.1 के शुरुआती क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। फिर आगे मैं अगली प्रॉपर्टी एक नहीं पढ़ाऊंगा तो उसका फिर क्वेश्चन तब बताऊंगा। भाई मैं चाहता हूं कि आप जितना पढ़ो उसके क्वेश्चन साथ क्या समझते जाओ, ताकि आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। तो आपको एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द सम बाय सुइटेबल रीअरेंजमेंट। आप इनको आगे पीछे के सही से रीअरेंज करके इनको ऐड करो, यानी आपको डायरेक्ट ऐड नहीं करना कि इसमें इसको ऐड कर दिया इसमें ऐड कर दिया, आपको पहले ऐसे अरेंज करना है, ऐसे दो नंबर लेना है जिनको जोड़ने पर क्या बने, जीरोस के नंबर बन जाए। जैसे मान लो 43 और 57 को जोड़े तो कितना आ जाता है, 100 आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे नंबर लेना है जिनकी लास्ट लास्ट डिजिट को जोड़ने पर क्या बन जाए, जीरो बन जाए लास्ट डिजिट को जोड़ने पर। जैसे एक नंबर है 43 और एक नंबर है 57, तो 7 और 3 को जोड़ने पे 0 बन रहा है, तो उन डिजिट्स को पहले जोड़ना है। यानी आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, इन तीन में से पहले वो डिजिट्स, दो नंबर वो पहले जोड़ना है जिनको जोड़ने पर आखिरी में 0 बने, ठीक है। तो इसलिए आप आखिरी डिजिट देखोगे, तो देखो इसकी डिजिट क्या है 7, इसकी 8 है और इसकी क्या है 3। देखो 7 और 8 को जोड़ूँ तो 15 बनता है, तो 0 नहीं बना। 8 और 3 को जोड़ूँ तो 11 बनता है, वहाँ पे भी 0 नहीं बना। लेकिन 7 और 3 को जोड़ दूँ तो 7 और 3 = 10, 0 बन जाता है। यानी मुझे पहले इस नंबर को इससे जोड़ना है और फिर इसमें जोड़ना है, ऐसे रीअरेंज करके जोड़ना है, डायरेक्ट नहीं जोड़ना, ठीक है। तो मैं पहले इस सवाल को दोबारा लिख दूँ, 8 3 7, इसको मैं इधर लिख देता हूँ, इसको इधर पहले लिख दूँ 3 6 3 और फिर लिख देता हूँ 2 0 8। अभी अपन ने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी COMMUTATIVE, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाई अपन ने यहाँ पे। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, आपको साइड में लिखना भी है। तो आपने ए को बी की तरफ ले गए, बी को ए की तरफ आगे पीछे कर दिया, ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने आपको पहले बताया था। अब देखो अब इन अपन क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को पहले जोड़ देंगे और उसमें इसको जोड़ देंगे, तो ये क्या हो गई अपनी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गई। इसमें मैंने ब्रैकेट लगा दिया ऐसे, अब इन दोनों को जोड़ूंगा। वैसे ब्रैकेट लगा के क्यों दिखा रहा हूँ, ताकि मैं उनको बता दूँ भाई ये दोनों जोड़ने वाला हूँ। तो मैं 8 3 7 को रफ में 3 6 3 से जोड़ देता हूँ, तो ये हो जाएगा 7 और 3 0 कैरी 1, 6 और 3 9 और 1 10 0, देखो फिर 0 बन गया, कैरी 1, 8 और 1 9 और 3 12, तो नंबर कितना गया 1200। तो आपको पहले वो दो नंबर जोड़ने हैं जिनसे 0 का नंबर बने, ठीक है। तो 1200 प्लस 208 एज इट इज़, ये रफर को मैं मिटा देता हूँ। अब 1200 में क्या कर देंगे आप, 208 को ऐड कर देंगे, तो ये 8 0 2 2 4 और 1, तो आंसर कितना आ गया 1408, ठीक है। आपको डायरेक्ट इसमें इसको और इसमें इसको नहीं करना, आपको पहले वो दोनों दो नंबर जोड़ने हैं जिनसे 0 बने। तो पहले मैंने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाकर इनको अरेंज कर दिया और फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से इन दोनों को जोड़ के इसमें जोड़ दिया।
ठीक है। तो आपको सेकंड सवाल आपका, देखो तो सेकंड सवाल मैं आपको लिख देता हूँ, आपको खुद करना है। ये अपना सेकंड क्वेश्चन है, इसमें चार नंबर है, इसको इन चारों को जोड़ना है लेकिन रीअरेंज करके। तो देखो इसके लास्ट में टू है और इसके लास्ट में एट है, तो इन दोनों को जोड़ना है पहले, ठीक है, क्योंकि टू और एट जीरो बन जाएगा। और इसके लास्ट में थ्री है और इसके लास्ट में सेवन है, इन दोनों को जोड़ना है। तो आप रीअरेंज करके कैसे करोगे, पहले आप रीअरेंज करोगे जैसे मैंने किया था, पहले ये नंबर लिख दोगे, उसके बाद इसको लिख दोगे, उसके बाद इसको लिख दोगे, फिर इसको लिख दोगे, फिर ये दोनों नंबर जब पास में आएंगे तो उनको जोड़ दोगे ब्रैकेट लगा के, और ये दोनों नंबर जब पास में आएंगे तो उनको जोड़ दोगे, ठीक है, और फिर दोनों के जो आंसर जाएंगे उनको आपस में जोड़ दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये नंबर आ जाएगा, फिर ये वाला नंबर आ जाएगा प्लस में, उसके बाद ये नंबर आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको इनको आगे पीछे करके, इन दोनों नंबरों का एक्सचेंज करके जोड़ जोड़ के, फिर पहले दो को जोड़ना है, इन दो को जोड़ना है, फिर इन दोनों के जो आंसर आएंगे उनको ऐड करके आंसर निकालना है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टू की। देखो क्वेश्चन नंबर टू है, फाइंड प्रोडक्ट बाय सुइटेबल रीअरेंजमेंट। आप मल्टीप्लाई निकालो सुइटेबल रीअरेंजमेंट से, ठीक है। तो इसमें भी अपन क्या करेंगे, अब तीन नंबर है तो वो दो नंबर देखेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने से ज़ीरो बने। तो देखो अगर मैं टू को 50 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 52 जो 100 होता है, और फिर 100 से इसको इंटू करूँगा, ठीक है। यानी पहले इन दोनों को इंटू करना है फिर इससे इंटू करना है। तो पहले रीअरेंज करके इन दोनों को, इसको इधर ले आता हूँ और इसको इधर ले आता हूँ, तो हो जाएगा 2 × 1768 की जगह तो क्या आ जाएगा 50, और 50 की जगह आ जाएगा 1768, ऐसे कर लोगे, ठीक है। ये अपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा दी, चीज़ें आगे पीछे कर दी, ठीक है। अब 52 जो क्या आ जाएगा, पहले इसमें ब्रैकेट लगा देता हूँ ताकि इसको इंटू करूँगा, 52 जो 100 इंटू 1768। अब देखो 1768 को 100 से करोगे तो 1768 ही आ जाएगा, और आगे कितने जीरो लग जाएंगे, दो। तो अपन सिंपल करके कैलकुलेशन करना है इसको रीअरेंज करके, तो ऐसे मैंने ऐसे करेंगे आप, ठीक है। तो वो नंबर पहले मल्टीप्लाई करेंगे जिनसे ज़ीरो बने, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन है तो इसमें भी अपन को देखना है। अब देखो मैं 5 को 9 से करूँ, लास्ट का डिजिट देखो 5 × 9 = 45, जीरो नहीं बन रहा। लेकिन अगर मैं 5 को 6 से करूँ तो 5 × 6 = 30, यानी इसमें ज़ीरो बन रहा है। यानी पहले मुझे इन दोनों को इंटू करना है, तो इसको पहले मैं आगे पीछे करूँगा, तो यह जगह 625 × 16 आगे आ जाएगा × 279। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप चीज़ों को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ने सिखाया कि आप नंबर को आगे पीछे इंटू कर दें, चाहे 279 × 16 करो या 16 × 279, सेम रहेगा। अब मैं इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। तो 625 को 16 से इंटू कर लेता हूँ मैं साइड में, आप रफ में कर लीजिए, ठीक है, मैं डायरेक्ट करके बताता हूँ। तो 625 को आप 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 1, 2, 3, 4, 10,000 आएगा। 625 को किससे करोगे, 16 से करोगे तो 10,000 आएगा। रफ में आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और फिर उसको कर दोगे 279, तो 279 को 10,000 से करोगे तो 279000, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये मैंने डी पार्ट किया, ये ए किया है, ये डी किया है, बाकी पार्ट आप ऐसे ही खुद करोगे, ठीक है, समझ में आ गया। तो आपको पहले मल्टीप्लाई में वो दो नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई करना है जिनसे ज़ीरो बने। चलिए तो एक क्वेश्चन इसमें एफ है। देखो क्वेश्चन नंबर टू में, सॉरी एक्चुअली हमारे क्वेश्चन नंबर वन नहीं है, टू है, प्रोडक्ट वाला सम वाला वन था। तो टू में मैंने आपको ए और ई कर दिया, बाकी सारे भी तीन तीन के मल्टीप्लाई, तो वैसे कर लोगे। एफ में चार नंबर है तो इसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ। देखो 125 को आप करोगे 8 से, और 40 को करोगे 25 से, ठीक है। तो आप इसको अदल बदल कर दोगे, ऐसे लिख दोगे 125 × 40 की जगह लिख दोगे 8 × 40 × 25। अब इन दोनों का ब्रैकेट यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ निकाल दोगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ, फिर उसके आंसर को वापस मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ऐसे आपका क्वेश्चन नंबर टू हो जाएगा। चलिए अब अपन बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये एक बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी। इस पर क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन नंबर थ्री और क्वेश्चन नंबर फोर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पे अपने। तो पहले मैं आपको ये सिखा देता हूँ ये क्या होती है। देखो ए इंटू बी प्लस सी, मान लो ए को बी प्लस सी के ब्रैकेट से इंटू करना है, तो वो किससे कैसे होगा, आप ए को एक बार बी से मल्टीप्लाई कर दो, फिर बीच में लगा दो प्लस, और ए को एक बार आप सी से। तो चाहे आप ऐसे क्वेश्चन को करो चाहे ऐसे क्वेश्चन को करो, दोनों केसेस में आंसर सेम आएगा, ठीक है। जैसे ए इंटू बी प्लस सी क्या होगा, ए इंटू बी और ए इंटू सी के बराबर होता है। जैसे आप सवाल एक एग्जांपल ले लेता हूँ, 3 × 5 + 7 करो, या फिर आप 3 को एक बार 5 से करो और जोड़ दो 3 को एक बार 7 से, यानी इसको एक बार इससे और एक बार इससे और एक बार इससे, तो दोनों केसेस के आंसर निकालते देखिए बराबर आएंगे। पहले आप यानी ब्रैकेट लग रहे हैं, पहले आप 5 और 7 को जोड़ोगे तो 5 + 7 = 12 आ जाएगा, तो 3 × 12 कितना आ जाएगा 36।
ठीक है। और इधर आप 3 5s 15 करो और 3 7s 21 करो, इसको भी ऐड करोगे तो कितना आएगा 36, दोनों आंसर सेम आएंगे। तो आप a इंटू बी प्लस सी हो या a इंटू बी हो या a इंटू सी हो, तो इस चीज़ को ऐसे लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा। जब भी क्वेश्चन इसमें आएगा तो आंसर अपन इसमें देंगे और क्वेश्चन इसमें आएगा तो आंसर इसमें देंगे, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। अब अपन अपना एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग 297 × 17 प्लस 297 × 3। तो भाई मैं देखो पहले अपनी प्रॉपर्टी लिख देता हूँ, a इंटू ब्रैकेट में b प्लस सी किसके बराबर होता है, a इंटू बी प्लस a इंटू सी। मैंने आपको बताया था क्वेश्चन अगर इस रूप में होगा तो आंसर इसमें देना है और क्वेश्चन इसमें होगा तो आंसर। तो देखो एक बार 297 17 से हो रहा है और वही 297 एक बार 3 से हो रहा है, तो अपना क्वेश्चन इस फॉर्मेट में है, ये हो गया a इंटू बी और ये a वापस आ गया प्लस a वापस आ गया 297 इंटू सी। तो आपका आंसर किस में आएगा, अब इसमें आएगा a इंटू बी प्लस सी। तो आप इस चीज़ को कैसे लिखोगे, पहले आप लिखोगे a, मतलब दोनों सेम नंबर वाला लिखोगे, पहले लिखोगे 297 इंटू फिर ब्रैकेट में b और c को जोड़ दो, b कौन है 17 और 3, 17 प्लस 3। अब आपको करना है 297 इंटू 17 और 3 को जोड़ोगे तो देखो जीरो का नंबर भी है, 17 प्लस 3 20 हो गया और 20 को आप 297 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 297 को मैं 2 से इंटू कर देता हूँ, 2 7 14, 2 9 18, 19 9 carry 1, 2 2 4 5 और 10 है तो लास्ट में 0 लग जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 5940। तो ऐसे आपको क्वेश्चन नंबर 3 करना है। देखो अगर यहाँ पे बीच में माइनस आ जाए प्लस की जगह तो आप यहाँ पे क्या लगा दोगे, माइनस, फिर 17 में 3 ऐड नहीं होके माइनस हो जाएगा, बस आपके एक क्वेश्चन माइनस का भी है तो आप यहाँ पे अगर माइनस आएगा तो आप यहाँ पे भी माइनस लगा दोगे, फिर इसमें से माइनस कर दोगे, बचे हुए नंबर को लिख दोगे, ठीक है। तो ऐसे आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 3 के बाकी पार्ट तो आपसे ऐसे हो जाएंगे, ए मैंने कर दिया, बी और सी हो जाएगा, बी में प्लस है बीच में और सी में माइनस है, तो आप वैसे ही सेम जैसे मैंने किया वैसे कर लोगे, प्लस है तो ब्रैकेट में प्लस लिख दोगे, माइनस है तो माइनस। देखो डी में 4 पार्ट हैं, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन कैसे होगा, आपको पहले इसको इंटू करना है फिर आपका नॉर्मल क्वेश्चन बन जाएगा। तो 3 8 4 5 को 5 से इंटू करोगे तो आप साइड में करके देख लेना 19225 आएगा, उसके बाद 782 को एज इट इज़ लिख दो, फिर ये लगा दो प्लस, अब इन दोनों को इंटू करोगे तो फिर क्या आएगा 19225, फिर आप 218। अब ये क्वेश्चन वैसे हो जाएगा, आपको ये दोनों नंबर ए हो गए, सेम नंबर है ना, और ये हो गया बी, तो ये हो गया ए इंटू बी प्लस ए इंटू, ये हो गया सी। तो आपका आंसर किस में आ जाएगा, ए इंटू ब्रैकेट में बी प्लस सी, तो आप लिख दोगे 19225 इंटू ब्रैकेट में 782 एक बी प्लस 218। अब आप 218 को इसमें जोड़ दोगे और उसके आंसर को 79225 से इंटू कर दोगे, तो ऐसे आपका ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। अब देखो अब अगला क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुइटेबल प्रॉपर्टीज 738 × 103। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, हर बार सेकेंड वाले नंबर को, सेकेंड या जो जीरो वाला नंबर हो उसको दो पार्ट में ब्रेक करना है। देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 738 × 100 को क्या लिख, 103 को क्या लिख सकता हूँ 100 + 3 ऐसे लिख सकता हूँ। अब ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से हो जाएगा, ये क्या हो गया a इंटू बी प्लस सी हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा a इंटू बी प्लस a इंटू सी, ऐसे आंसर हो जाएगा। तो a कौन है 738, हम 103 को क्या लिख दिया 103 को 100 + 3, ठीक है। तो इसको मान लिया b, इसको मान लिया c, तो इसका आंसर आ जाएगा a को एक बार यानी 738 को 100 से इंटू करना है और एक बार a को c से यानी 738 को 3 से इंटू करना है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 738 × 100। a को एक बार अपन ने b से इंटू कर देंगे और बीच में लगा देंगे प्लस और एक बार 738 × 3 सेकेंड से इंटू कर देंगे, ठीक है। तो 738 को 100 से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 738 × 1 = 738 और आगे 20 एज इट इज़ प्लस इसको 3 से कर देंगे तो 3 8 = 24 carry 2, 3 3 = 9 10 11 carry 1, 3 7 = 21 22। आपको ऐसे नहीं समझ में रहा, आप साइड में रफ में कैलकुलेट कर सकते हो। अब अपन इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो 2214 तो जाएगा 41, ऐड कर देंगे इसको 8 और 2 0 carry 1, 3 3 4 5 6, तो आंसर आ जाएगा 76014, ठीक है। तो ये अपना आंसर आ जाएगा। तो ऐसे आपको क्वेश्चन नंबर 4 करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ सारे क्वेश्चन कैसे होंगे। तो ये इसके बचे हुए सवाल है बी सी डी, तो मैं थोड़ा सा हिंट बता देता हूँ करना आपको है।
देखो इसमें तो 102 की ऐसे लिख दोगे 854 इंटू 100 प्लस 2, तो 102 को क्या लिख दोगे 100 प्लस 2, और फिर जैसे मैंने आपको ए करके बताया वैसे आप इसको बाकी को सॉल्व कर लोगे। ठीक है, एक बार इसको इससे इंटू करोगे और एक बार इसको 2 से, 854 इंटू 100 प्लस 854 इंटू 2। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से ऐसे ही। तो ये बाकी सवाल इसको मैंने बस एक स्टेप किया, बाकी आपको खुद को करना है। इसको लिख दोगे 258 इंटू, इसको लिख दोगे 1000 प्लस 8, 1008 है ना, तो इसको भी वैसे करोगे, एक बार इसको इससे इंटू कर दोगे और एक बार इससे। ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा उल्टा है, देखो 1005 जिसको अपन ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करते हैं वैसा नंबर इधर है और इधर है, तो पहले अपन क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं, अपन क्वेश्चन दोबारा लिखते हैं 168 इंटू 1005। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा के उसको क्वेश्चन को सही कर दिया अपन ने। ठीक है, आगे पीछे कर दिया फर्क नहीं, अब अपन कर देंगे इस क्वेश्चन को 168 इंटू 1000 प्लस 5, और फिर वही आप डिस्ट्रीब्यूटिव करा के एक बार इसको सेंड कर दोगे और ऐसे। तो ये मैंने तीनों क्वेश्चन की हिंट दे दी, ऐसे आपको ये क्वेश्चन करना है। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही था, मैंने आपको एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 करा दिया है। इसके सारे सवाल आपको होमवर्क में करने हैं। ठीक है, जैसे मैंने कराया वैसे आप एक एक क्वेश्चन समझते जाइए और एक एक क्वेश्चन को करते जाइए। वीडियो को रोक लीजिए बीच में, पहले क्वेश्चन नंबर 1 समझाया मैंने, तो वीडियो को समझ लो फिर वीडियो को रोक के क्वेश्चन नंबर 1 कर लो। आपको चैप्टर का PDF भी आपको दे देंगे, जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं उनको PDF दे देंगे, तो PDF में आराम से एक्सरसाइज का पेज वो खोल लेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, फिर 3, फिर 4। ठीक है, अब बाकी के सवाल जो अपन वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।